राम राम दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और सब्सक्राइब करो और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे किसी भी वीडियो की हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ठीक है दोस्तों दोस्तों आज उनतीस अगस्त है और आज जो यूपी पुलिस दो की रिट डाली गई थी उसकी आज सुनवाई होनी थी दोस्तों सुनवाई क्या हुई है ये हम आपको बताते हैं अभी वीडियो में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं वो इसी चीज़ के दिख रहे हैं कि एक और तारीख दे दी जाएगी और जी हाँ दोस्तों जो हमने कहा था वही हुआ है एक और तारीख दे दी गई है कोर्ट का फैसला आ चुका है उसने एक और तारीख दे दी है और अगली तारीख दी गई है दस सितंबर की मतलब पहले तो कह दिया कि भाई एक हफ्ते का टाइम है और एक हफ्ते के बाद अब फिर दस सितंबर तक तारीख़ दे दी या तो कुछ गड़बड़ चल रही है कुछ धांधलेबाजी चल रही है कुछ तो ऐसे चल रहा है भाई कि भर्ती को कुछ ढंग का कर ही नहीं रहे या तो भर्ती को लंबी खींचने का इरादा है या कुछ ड्रामा निकाल दिया इस भर्ती का मतलब हद हो गई है तारीख पे तारीख़ ही मिल रही है कुछ फैसला ढंग का हो ही नहीं रहा दोस्तों हमने आपको कहा था कि तारीख मिलने के ही ज़्यादा चांसेस हैं और दोस्तों वही हुआ तारीख ही मिली है और पिछली बार तो ये था कि भाई चलो एक हफ़्ते बाद सुनवाई हो जाएगी अब सीधा 10 सितंबर को तारीख दे दी गई है कि 10 सितंबर की तारीख है 10 सितंबर को दोबारा सुनवाई होगी अब ये भी नहीं कहा गया है कि जज ने कि 10 सितंबर को जो फ़ैसला होगा वो फ़ाइनल फैसला होगा या उसमें भी आगे तारीख़ दे दी जाएगी या क्या होगा कुछ नहीं ऐसा कहा गया है सीधा दोस्तों यही कहा है कि अगली सुनवाई दस सितंबर को की जाएगी दोस्तों सबसे कमाल की बात तो ये दिख रही है कि अब एक भर्ती ना हो के बीरबल की खिचड़ी हो गई कि पक के ही नहीं दे रही भर्ती हो के ही नहीं दे रही यार ये तो एक फैसला कर दो या तो सीधा ठाकुर ये कर दो कि भाई पेपर कैंसिल है या फिर ऐसा कह दो कि भाई पेपर कैंसिल नहीं होता ये क्या ड्रामा है कि भाई पेपर कैंसिल नहीं हो रहा ना तारीख मिल रही ना कोई फैसला हो रहा ढंग का अगर पेपर कैंसिल हो जाए तो ये भी पता चल जाए कि री एग्ज़ाम की असली डेट क्या है री एग्ज़ाम कब होगा ये कैसे होगा लेकिन अगर पेपर कैंसिल नहीं करना तो फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का बता दो कि भाई री एग्ज़ाम कब होगा लेकिन इस केस की जो सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के मामले को लेकर सेकेंड शिफ्ट का जो री एग्ज़ाम होना है उसका भी मामला लटका पड़ा उसका भी कुछ रा बैठ रहा कि भाई उसका पेपर कद होगा री एग्ज़ाम आई थी सात अक्टूबर उसकी डेट आई थी लेकिन वो फाइनल नहीं थी अनऑफिशियल डेट थी ऑफिशियल बोर्ड ने नहीं कहा था कि सात अक्टूबर को डेट पेपर री एग्ज़ाम होगा लेकिन सात अक्टूबर तो बताई गई थी अनऑफिशियल थी लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का क्योंकि जब इसका ही नहीं फैसला होकर दे रहा एक हफ्ते का दस दिन का दस बारह दिन का टाइम और दे दिया कोर्ट ने दस बारह दिन बाद और सुनवाई होगी दस सितंबर को इसकी दोबारा सुनवाई होगी अब 10 सितंबर की सुनवाई में ये नहीं पता कि क्या होगा क्या 10 सितंबर को पूरा प्रॉपर फैसला आ जाएगा जी नहीं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि 10 सितंबर को पूरा प्रॉपर फैसला आ जाएगा या 10 सितंबर को ये है कि भाई 10 सितंबर को फैसला हो ही जाएगा 10 सितंबर आखिरी तारीख है कुछ नहीं पता भाई दस सितम्बर में ऐसा भी हो सका कि भाई कोर्ट का देखिए भाई अब तो सीधा एक अक्टूबर को करेंगे फिर या फिर दिवाली के बाद करेंगे वो सुनवाई बस अगर दो की भर्ती तो अभी इ भी तो पेपर का ही चल रहा फिर फिजिकल मेडिकल ये सारी चीज़ तो भैया तो दो हज़ार अट्ठारह की भर्ती कुछ सोच रहे दो हज़ार बीस में ख़त्म करें दो हज़ार इक्कीस में ख़त्म करें चलो दोस्तों हमें तो आपको इन्फॉमेसन देनी थी थोड़ी सी वो थी हमने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है दस सितंबर की सुनवाई हो गई अब दस सितंबर की डेट मिली है दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हाँ जाते जाते एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि दस पाँच रुपए में कोई अमीर या गरीब नहीं होता है हमारे यहाँ केरला में बहुत भयंकर बाढ़ आई है अगर आप दस पाँच रुपये डोनेट कर देंगे तो इसमें आप ही के कोई गरीब नहीं बन जाएगा दोस्तों ठीक है आपके दस पाँच रुपये से किसी का पेट भर जाएगा कोई भूखा नहीं रहेगा काफ़ी लोग मर चुके हैं वहाँ पर ठीक है दोस्तों मैं आपको डोनेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के प्रोवाइड करा दूंगा आप वहाँ से जाइए और आप डोनेट कर दीजिए आप दस रुपये पाँच रुपये एक रुपये जितना आपसे हो सकता है आप उतने डोनेट कर दीजिए आप पे से भी डोनेट कर सकते हैं या जितने भी ई e वॉलेट्स हैं आप उन सब से डोनेट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे इस पूरे केस से रिलेटेड और दूसरी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ठीक है दोस्तों राम राम भाइयों और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों क्योंकि यहीं आपको सच्चाई मिलेगी और सब तो बकवास बताएंगे राम राम दोस्तों